पिछले कुछ दिन से एक सेक्सुअल थॉट्स थोड़ा ज़्यादा झुकाव साइड हो गया है, इवन पॉर्न की तरफ भी। और मतलब जो स्पिरिचुअलिटी से नहीं जुड़ा था, इतना भी नहीं था, तब भी इतना नहीं था, अभी एकदम से बहुत ज़्यादा। और एक चीज़ और नोटिस की कि पहले मुझे लगता था जब मैं खाली होता हूँ तो ये चीज़ें हावी होती हैं, पर अभी मैंने देखा जब मैं कुछ कर रहा होता हूँ तो भी ऐसे बैकग्राउंड में जैसे चल रहा है वो, जैसे उसको मौका मिला और वो चीज़ आगे आ जाती। तो कैसा होता है पॉर्न का वेब पेज, थोड़ा खोल के बताओ। उत्तेजित करने वाला क्या होता है उस पर? एक वीडियो आ रहा होता है, और क्या होता है उस पेज पर? बस एक ही वीडियो होता है? कई होते हैं, YouTube की तरह ही। हाँ। जैसे YouTube होता है कि एक तो मुख्य वीडियो जो देख रहे हो और नीचे कतार बनी हुई है और भी है, तो जब उस पेज पर पहुंच जाते हो तो एक ही वीडियो देखकर थम जाते हो या फिर झड़ी लगती है? और क्या होती है दूसरे की देखने की? अच्छा, तो एक वीडियो पर कितना समय गुजारते हो तकरीबन? 5-10 मिनट। और एक देख के रुक तो नहीं जाते होगे? काम का तो ये हिसाब ही नहीं कि वो एक पर ही विराम लगा दे, फिर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा। अधिकतम कितने तक गए हो? 5-10-15 भी हुए होंगे? 3-4 में ही मनचाही चीज़ मिल जाती है? तो कई टैब वगैरह खुल जाते होंगे फिर तो? अब प्रयोग ही करने उतरे हो तो इतनी आसानी से प्यास तो बुझती नहीं होगी। कई बार हो सकता है बुझ भी जाए, कई बार तो कभी इधर हाथ मारा कभी उधर आजमाया। इस पूरी प्रक्रिया में समय कितना लग जाता है? जितना खाली समय होता है। कदम दर कदम चलो, खाली समय कितना होता है? तुम आधी रात को उत्तेजित हो गए हो, अभी तुम्हारे पास कितना खाली समय बताओ? और उत्तेजना भरी दोपहर तो चढ़ती नहीं होगी, ऐसे ही कोने कतरे आधी रात को जब दुबके हुए हो बिस्तर इत्यादि पे तब। अब आधी रात को खाली समय कितना है तुम्हारे पास? कितना खाली समय है? कितना? बहुत घंटा। तो 6 घंटे खाली हैं, 8 घंटे खाली हैं। तुम तो कह रहे हो जितना खाली समय होता है बस उतना जाता है पॉर्न में, पर खाली समय तो बहुत सारा है। मामला अगर 12 बजे रात को शुरू हुआ है तो 2 घंटे भी खींच सकता है, क्योंकि खाली समय तो बहुत है। ठीक, तो जो नींद 12 बजे आ जानी चाहिए थी अब कितने बजे आएगी? 2 बजे। 12 बजे सोते तो सुबह 7 बजे उठ जाते, और 2 बजे सोओगे तो कब उठोगे? 9 बजे। 9 बजे उठ के भी तुम्हारा काम तो चल ही जाता है, और प्रमाण इसका ये है कि दूसरी रात को 12 बजे तुम पुनः वही क्रिया दोहराते हो। अगर तुम्हारा जीवन ऐसा होता कि सुबह 7 बजे उठते ही तुम्हें कोई बहुत महत्वपूर्ण, कोई बहुत गंभीर, कोई बहुत सार्थक काम करना है, तो क्या तुम 2 बजे सोना गवारा कर सकते थे? समझो बात को, 7 बजे उठते ही तुमको किसी बहुत कीमती काम में लग जाना है, तो क्या तुम रोज बरोज ये कर सकते थे कि आज फिर 2 बजे सोएंगे? एक दिन 2 बजे सोते, दूसरे दिन 2 बजे सोते, तीसरे दिन अपने आप 10-11 बजे नींद आ जाती, क्योंकि सुबह 7 बजे तो उठना ही। निश्चित रूप से तुम्हारे पास करने को कुछ है नहीं,
करने को कुछ है नहीं तो बहुत सारा समय फिर किसी भी बेवकूफ़ी में तुम लगा सकते हो। ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि पॉर्न इत्यादि में तुम अपना खाली समय देते हो। नहीं, तुम पॉर्न को ठीक उतना समय देते हो जितना तुम्हारी कामना चाहती है। तुम खाली समय नहीं दे रहे, तुम्हारी कामना जितना पसार चाहती है उतना पसरती है। वो 2 घंटे 3 घंटे 1.5 घंटा आधा घंटा जितना उसको चाहिए अपनी तृप्ति के लिए वो उतना समय लेती है। सवाल यह है कि उस समय कहाँ से चुरा रहे हो तुम। अगर कोई बहुत कीमती काम होता तो तुम वो समय चुरा नहीं सकते थे। तुम्हारे पास कुछ करने को है ही नहीं तो क्या करोगे, अपने ही हाथों अपना मनोरंजन कर रहे हो। जीवन में कुछ सार्थक उद्यम है नहीं तो क्या करोगे। या तो तुम्हारे पास कोई सार्थक काम होता या मनोरंजन के लिए भी तुम्हारे पास दूसरे साधन होते। मान लो तुम खिलाड़ी होते तो तुम 4 घंटा 6 घंटा खेल ही जाते कि भाई मैं तो खिलाड़ी हूं, मेरा खेल के काम चल जाता है। तुम खिलाड़ी भी नहीं हो, तुम्हें सिनेमा की बड़ी परख होती, कला की पहचान होती तो तुम दिन की 2 पिक्चरें देख डालते, तुम्हें कला की भी पहचान नहीं है। तुम्हारी अगर ज्ञान में रुचि होती, तुम ज्ञान के दीवाने होते तो तुम कोई कोश पढ़ डालते, कोई किताब पढ़ डालते, ऑनलाइन भी होते तो विकिपीडिया पर बैठे रहते, पर ज्ञान में भी तुम्हारी कोई विशेष रुचि नहीं है। तुम्हें संगीत में रस होता तो तुम या तो गाते या संगीत सुनते। लोग संगीत में घंटों घंटों गुजार देते हैं, तुम्हारी संगीत में भी कोई रुचि नहीं है। तो ले दे करके तुम्हारी पूरी जिंदगी क्या है, एक चुभता हुआ खालीपन, एक चिल्लाती हुई खामोशी है। और वो चिल्लाती है कि मुझे भरो, मुझे भरो। न तुम्हारे पास काम है, न संगीत है, न खेल है, न ज्ञान है, न ऐसे संबंध है कि उनके साथ बैठो और दिन बीत जाए। न तुम्हारे पास ध्यान है कि अकेले भी हो तो अपने साथ संतुष्ट हो। तो वो कैसे पैदा करे, वो रुचि कैसे पैदा करे? पॉर्न देख कर तो नहीं। संगीत वहां भी होता है, संगत वहां भी होती है, खेल वहां भी होता है, पर उससे लाभ नहीं होगा। एक दिन अपने आप को थोड़ी तृप्ति दे दोगे, दूसरे दिन कामना फिर मुंह फाड़े खड़ी हो जाएगी। जो मैंने बोला उसी से तुम समझ गए होगे कि समाधान क्या है। जीवन को इतना भर दो वैभव से कि तुम्हारे पास समय ही ना बचे किसी तरह की बेवकूफी के लिए। मन को जो रस पीना है उसे छक्कर पिला दो और तन की जो अतिरिक्त ऊर्जा है उसको किसी सही काम में पूरा खपा दो। उसके बाद कहाँ तुम्हें होश आएगा, ख्याल आएगा कि अरे चलो पॉर्न देखें, ये करें वो करें। पकड़ लो कोई खेली जवान आदमी हो, हाथ ऐसे थक जाएं कि हिले ही ना। अब हाथ ही नहीं हिल रहे तो क्या करोगे, बटन तो दबाने पड़ते हैं ना, हिल ही नहीं रहा। किसी खेल में दक्षता भी आएगी जीवन भर के लिए, तुम्हारे पास एक योग्यता आ जाएगी। अब उसकी जगह बैठे हुए हैं, कुछ नहीं, छत निहार रहे हैं, पंखा देख रहे हैं, बिस्तर खराब कर रहे हैं,
उसी समय का सदुपयोग कर लो ना, संगीत सीख लो, किसी बड़े मिशन में लग जाओ, किताबें पढ़ लो, और उनमें भी बहुत आकर्षण है, गजब की कशिश है उनमें भी। भाई तुम खुशी की चाहत में ही तो ये सब करते हो ना, पौर्ण इत्यादि, खुशी से ज्यादा बड़ी खुशी उधर है, कलाओं में, ज्ञान में, खेल में, भक्ति में, ऊंचे किसी संकल्प में। उस खुशी को मैं कहता हूं आनंद। जिन्हें किसी भी तरह के व्यसन की लत लगी हो, जो अपना समय किसी भी तरीके से खराब करते हो, चाहे वो ज्यादा सोते हो, चाहे पौर्न इत्यादि देखते हो, चाहे कुछ भी, और कई होते हैं वो कुछ करने को नहीं है तो यूं ही घूम फिर रहे हैं, उसको बोलते हैं हैंगिंग आउट। उनसे पूछो क्या कर रहे हो, तो अब कैसे बताएं कि समय खराब कर रहे हैं, तो बोलेंगे हैंगिंग आउट। गजब बात है, कहाँ लटके हुए हो, तो जो भी लोग ये सब कुछ कर रहे हो, वो एक बात अच्छे से समझ लें कि जीवन बड़ा गरीब है, जीवन में वैभव नहीं है, निर्धनता बहुत है, दलिद्र है, दरिद्रता। अब दलिद्र से भरा हुआ है जीवन तो चैन पाओगे नहीं। समय का, अपने सारे संसाधनों का सार्थक उपयोग करो, फिर इन सब चीजों के लिए समय नहीं मिलेगा। ये सब नशे, ये सब आदतें उनको ही पकड़ती हैं जिनके पास खाली समय और बहुत होता है। तुम्हें काम चाहिए, ऐसा काम जो जिस्म तोड़ दे बिल्कुल तुम्हारा, ऐसा काम जो तुम्हारे मन को बिल्कुल जकड़ ले, सार्थक काम मिल गया तो काम वासना से छूट जाओगे। काम करो, काम काम, फिर काम वासना आएगी, तुम्हें व्यस्त पाएगी और वापस लौट जाएगी। पश्चिमी देशों में प्रजनन दर कम है, वहां लोगों को कम बच्चे होते हैं, उसके बहुत कारण हैं, आर्थिक विकास कारण है, चिकित्सा सुविधाएं ज्यादा अच्छी हैं, ये कारण है। पर एक बड़ा कारण ये है, कि उनके पास काम है, अगर वो करना चाहें तो उन्हें काम मिलता है, उनके पास मनोरंजन के कई साधन हैं। और जो गरीब देश हैं, वहां पर आदमी के पास मनोरंजन का भी साधन बस एक ही है, जहां पैसा नहीं लगता। पकड़ लो बीवी को और वक्त बहुत है, क्योंकि बेरोजगारी ज्यादा है, तो समय बहुत है और मनोरंजन के लिए सिर्फ बीवी है, तो फिर क्या होता है, फिर कतार लगती है बच्चों की। मैं ये नहीं कह रहा कि यही एकमात्र कारण है, पर यह भी एक प्रमुख कारण है। अब बेरोजगार हो जाए कोई, सिनेमा की टिकट खरीदने के भी पैसे नहीं है, और बेरोजगार इसलिए भी है क्योंकि उसके पास कोई ज्ञान, गुण, शक्ति, बल नहीं है, जीवन को जानने समझने में उसकी कोई अभिरुचि नहीं है, शास्त्रों से, किताबों से, साहित्य से, गद्य से, पद्य से उसका कोई लेना देना नहीं है,
कहीं घूम फिर के आने के लिए भी पैसे चाहिए, वो भी उसके पास नहीं है। ले देखिए उसके पास क्या है, उसके पास लिंग है अपना एक और पत्नी है, तो यहीं पे सारा समय लगा देता है वो। और फिर यही वजह है कि जो जागृत हो जाता है उसे ब्रह्मचर्य घटित होता है। मन को खेलने के लिए खिलौनों की तलाश होती है तो वो सेक्स को, लिंग को खिलौने की तरह इस्तेमाल करता है। जो जागृत हो गया उसे अब बड़े से बड़ा खिलौना मिल गया, उसे परमात्मा मिल गया। ऐसे भी कह सकते हो कि अब वो परमात्मा के हाथ में खिलौना बन गया, उसे बड़ा से बड़ा खेल अब उपलब्ध हो गया, वो तर गया, तो अब उसे फुर्सत नहीं रहती बचकाने तरीकों से मन बहलाने की। ये ब्रह्मचर्य है। तुम कामचर्या की जगह अब ब्रह्मचर्या करने लगे। कहीं तो चर्या करोगे ना, जहां पर तुम घूम फिर रहे हो, जिस क्षेत्र में तुम्हारा आना जाना है वो तुम्हारे आचरण का क्षेत्र हुआ, वहां तुम्हारी चर्या हुई। हमारी चर्या कहाँ होती है, कहाँ होती है? बाजार में, दफ्तर में, कुर्सी पर, बिस्तर में, किताबों में, गपशप में, इन सब में हमारी चर्या रहती है। हम इन सब के माध्यम से अपने आप को पूर्ति देना चाहते हैं। ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि अब तुम्हें पूर्ति मिल रही है ब्रह्म से, सीधे सीधे ब्रह्म से। जब ब्रह्म से पूर्ति मिल रही है तो तुम पूर्ण हुए। अब क्या करोगे छोटे मोटे खिलौनों का? जैसे कोई बच्चा अपना अंगूठा चूसता था और खिलौने इधर से उधर करता था, उसको माँ ही मिल गई, अब वो क्या करेगा अंगूठे का कि खिलौनों का? ये ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य में तुम्हें ऐसा कुछ उपलब्ध हो जाता है कि फिर बेवकूफियों से खेलने की, बेवकूफियों को बहुत कीमत देने की, समय देने की तुम्हारी इच्छा नहीं रहती। तो सीख मेरी ये है कि जीवन को समृद्ध बनाओ। जीवन तुम्हारा जितना समृद्ध होगा, ये पौर्ण इत्यादि के प्रति तुम्हारा आकर्षण उतना कम हो जाएगा। बाकी तो दुनिया फानी है। जब सब दृश्य मिथ्या है तो तुम अपने फोन या लैपटॉप पर जो पॉर्न देख रहे हो वो भी है तो मिथ्या ही। तुम्हें पॉर्न का विरोध इसलिए नहीं करता कि अनैतिक बात है। जब सब दृश्य मिथ्या है तो पॉर्न क्या सत्य हो गई? वो भी मिथ्या ही है। और मिथ्या में क्या पाप? मैं पॉर्न को फिजूल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जितना समय तुम उसमें लगा रहे हो वो समय तुम चुरा रहे हो किसी सार्थक प्रयोजन से। जीवन में समय वैसे ही बहुत थोड़ा मिला हुआ है तुम्हें, कुछ दशक का जीवन है तुम्हारा, बहुत कम समय मिला है, और वो समय भी तुमने यूं ही जाया कर दिया। तो मुक्ति की यात्रा कब करोगे? बालपन सब खेल गंवायो, जवान भयो नारी बस कारे, कबीर साहब बहुत पहले बता गए थे। और फिर रोओगे, बालपन ऐसे बीत गया, जवानी ऐसे बीत गई और बुढ़ापे में देह कांप रही है,
अब कौन सी मुक्ति, किसकी मुक्ति? जवान भयो नारी बसकारे, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। तो तुमने कोई पाप नहीं कर दिया अगर तुम्हारे दिमाग में सेक्स घूमता रहता है। सेक्स का दिमाग में घूमना पाप नहीं है। जीवन को अर्थात समय को अर्थात तुम्हें ये जो छोटा सा अवसर मिला है इसको व्यर्थ गंवा देना पाप है। अंतर समझ रहे हो ना? हिसाब तो करो कितने घंटे अब तक तुमने इन्हीं चीज़ों में मशगूल रहकर गुजार दिए और उन घंटों में न जाने क्या क्या हो सकता था। तुम्हारा मन निर्मल हो सकता था, तुम आत्मा की तरफ बढ़ सकते थे, तुम्हारे व्यक्तित्व में तेज आ सकता था, कितना कुछ जान सीख समझ सकते थे। वो सब नहीं हो पाया ना। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि तुम्हारे उस समय को माया खा गई। और अगर तो अपने आप को जीव कहते हो तो जीवन तुम्हारी सबसे बड़ी संपदा है और जीवन माने समय, तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन फिर कौन हुआ जो तुम्हारा समय खा जाए? और अक्सर तुम्हारा समय खाने वाले तुम खुद होते हो। व्यर्थ के विचारों में समय गुजार दिया, उधेड़ बुन में समय गुजार दिया, चिंता कलह क्लेश समय गुजार दिया, तो तुम अपने सबसे बड़े दुश्मन हो। जो कोई तुम्हारा समय नष्ट करे उसको अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानना, खुद ही अपना समय नष्ट कर रहे हो। मरा हुआ भी अपने आप को कब बोलते हो? जब तुम्हारे पास क्या पैसे नहीं बचते तब बोलते हो मैं मर गया? तुम्हारे बड़ा से बड़ा जो खौफ है वो है मौत का, राइट? बड़े से बड़ा डर क्या है तुमको? मृत्यु का। और मृत्यु कब आती है तुमको? जब तुम्हारे रिश्तेदार छूट जाते हैं उसको तुम मृत्यु बोलते हो क्या? पैसा छूट जाता है उसको मृत्यु बोलते हो? कब बोलते हो कि मृत्यु आ गई? जब समय नहीं बचता। तो तुम्हारी सबसे बड़ी संपदा क्या हुई? समय। अब जब पॉर्न खोलना तो समय गिनना, और साथ में एक चीज और जोड़ लेना, जहां कहीं तुम समय नष्ट कर रहे होगे उसके साथ तुम्हारा मन भी नष्ट हो रहा होगा। ये दोनों बातें बड़ी जुड़ी हुई हैं। जब भी तुम समय का सदुपयोग कर रहे होते हो तुम्हारा मन साथ साथ साफ हो रहा होता है, परिष्कृत हो रहा होता है, और जब भी कुछ तुम समय का दुरुपयोग कर रहे होते हो उस दुरुपयोग के साथ साथ तुम्हारा मन भी गंदा हो रहा होता है। दोनों ओर से मारे गए बेटा, समय तो गंवाया ही साथ में मन भी मैला किया, और अब मन मैला कर लिया है तो समय और गंवाओगे, क्योंकि तुम्हारा मैला मन ही तो निर्धारित करेगा ना कि अब समय का आगे क्या करना है। मन मैला कर लिया तो आगे समय और नष्ट करोगे, फंसे। जब भी इन मूर्खताओं में लगे हो कोई ऐसा अपने लिए साथी ढूंढो या कोई ऐसी अपने लिए व्यवस्था बनाओ
कि अचानक कोई आकर के तुम्हें झंझोड़ के कहे पिछले आधे घंटे क्या किया, पिछला आधा घंटा कहाँ गया, पिछले आधे घंटे को मौत खा गई। समय पे नजर रखो और वो तभी होगा जब नजर के पीछे कोई समय से आगे का बैठा हो। देखो कि बड़े से बड़ा, ऊंचे से ऊंचा क्या है जिसको तुम अपनी जिंदगी में शामिल कर सकते हो, उसको जिंदगी में लेकर आओ और उसी के हो जाओ। यही तुम्हारे जीवन का सदुपयोग है। हम्म।